अगर पेपर लीक हो जाता है और कोई सवाल आपको पहले से पता है और आप उसकी तैयारी करके नहीं जाते और वो सवाल एग्जाम पे आ गए, तो आपको क्या महसूस होगा? क्या हमें पता है सवाल और फिर भी हम तैयारी करके नहीं आए? इंटरव्यू भी वो यही सोचता है कि यार ये सबको पता है कि यार ये आपको अपने बारे में बताना है और हम ठीक से नहीं बता रहे, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? वो हमें क्यों रखेगा? जो बंदा अपने बारे में अपने आप को सही डिफाइन नहीं कर सकता, वो उसकी कंपनी में जाकर उसकी कंपनी को क्या डिफाइन करेगा? मेरा कि हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए कि अगर आपको पता है कि एक से दो मिनट के अंदर आपको अपने आप को डिफाइन करना है, आप अपना 30 मिनट का भी 30 सेकंड का भी अपना एक स्पीच बनाए और एक से डेढ़ मिनट का ही बनाए, अगर सामने वाला आपको सुनना ज़्यादा चाह रहा है तो आपको क्या चीज़ें ऐड करनी है, और वो अगर सुनना नहीं चाह रहा आपको ज़्यादा तो आपको क्या चीज़ लेस करना है, ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए ताकि आप दोनों चीज़ें बना के रखें। कि हमें क्या करना चाहिए कि इंटरव्यू देने से पहले या किसी को बताने से पहले अपनी स्पीच हम पहले तैयार करें खुद से, किसी से पूछें नहीं, क्योंकि अपने बारे में हम बेहतर बता सकते वो नहीं बता सकता। ठीक है, स्पीच हम बताएं हमें क्या चीज़ बताना है और क्या चीज़ नहीं बताना। अगर आपके फॉर एग्जाम्पल मेरी पासिंग मार्क्स कम है तो मैं नहीं बताना चाहता कि मैं क्या परसेंटेज मेरी आई है, अगर किसी ने अच्छे डिवीजन से पास किया वो बताना चाह रहा है वो उसमें ऐड कर दे, ठीक है, और आप उसके हिसाब से बताएं। अगर आपको नजर कि वो इंटरेस्ट नहीं है आपकी बातों में तो आप बिल्कुल उसको अपना बड़ा बड़ा स्पीच सुनाएं, और आपको नहीं नजर तो आप आंसर में हम लोग जो कंफ्यूज होते हैं ना, हमारा स्पीच बना हुआ नहीं होता, तो हम उस वक्त जो दिमाग में आया होता है वो हम बोलते जा रहे होते हैं, जिसके वजह से सामने वाले को लगता है कि ये अपने आप को डिफाइन नहीं कर रहा तो ये आगे क्या चल रहा है। ये एक छोटी सी स्पीच थी जो मैंने कहा आप लोगों को शेयर करूंगा। थैंक यू।